वहीं रायपुर में अमेजॉन शॉपिंग ऐप से ऑनलाइन धारदार चाकू मंगाए जा रहे हैं जो बिना वेरीफाई के नाबालिगों को डिलीवर की जा रही है। पुलिस विभाग को जानकारी लगते ही जिम्मेदार अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर के मोवा, देवपुरी और डीडी नगर ऑफिस के अमेजॉन शॉपिंग ऑनलाइन साइट के गोदाम में रेड कार्रवाई की और 2000 से अधिक चाकुओं को ग्राहकों से बरामद किया है। शॉपिंग के ऑफिस और गोदाम पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मोवा, देवपुरी और डीडी नगर ऑफिस में पुलिस जांच, तो बिना वेरीफाई के नाबालिगों को डिलीवर धारदार चाकू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपी साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपी, ऑनलाइन मंगाए चाकू की जो है जांच हो रही है, पुलिस ने 2000 से अधिक चाकू ग्राहकों से बरामद किए हैं जो कि बिना वेरीफाई के नाबालिगों को डिलीवर की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है, उसके बाद अब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सतर्क होते हुए नजर आ रही है और नींद से जागना कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है, क्योंकि अब अमेजॉन शॉपिंग ऑनलाइन जो साइट है उसके ऑफिस और गोडाउन में पुलिस ने रेड की कार्रवाई जो है वो की है, जहाँ से सूची जो है वो पहले मंगाई गई थी। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग जो साइट है, चाहे वो स्नैपडील है, चाहे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से लिस्ट मंगाई गई थी कि किनके द्वारा धारदार चाकू ऑर्डर किए गए, और उसके बाद भी उसकी लगातार शिकायतें आ रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट के द्वारा नाबालिगों को बिना वेरीफाई के धारदार चाकू दिए जा रहे थे। उसी से फिर ये जो नाबालिग है या जो ज्यादातर अपराधी है, जो अपराधी है वो चाकूबाजी की घटना को इन्हीं चाकुओं से अंजाम दे रहे थे, जिस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब वहां पर रेड की कार्रवाई की गई, जिस तरीके से लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही थी उसके बाद, और बता दें कि पुलिस ने गोडाउन से और ग्राहकों से लगभग 2000 से अधिक चाकू जो है वो बरामद करके इसे जब्त किया गया। 2000 बड़ी संख्या होती है एक ही ऑनलाइन जो साइट है वहां से, ऐसे कई सारे और भी ऑनलाइन साइट है जहाँ से चाकू जो है अब वो ऑर्डर किए गए हैं और ये राजधानी में उपलब्ध है हर किसी के पास। मोहन जयपुरी और डीडी नगर इसकी जो ऑफिस और गोडाउन है यहाँ पर पुलिस ने जांच की है, जिसके बाद ये जो कार्रवाई है वो की गई। लेकिन ये क्या कार्रवाई है या वाहवाई है, क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है कि कार्रवाई तो की जाती है लेकिन जो घटनाएं है वो रोकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग है, जो कानून का भय है, जो पुलिस का जो डर होना चाहिए अपराधियों और बदमाशों में, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, और इसके कारण आए दिन ऐसी घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, जिसके कारण राजधानी वासी काफी चिंतित है अपनी सुरक्षा को लेकर। वो किसी भी, चाहे वो मेन रोड पर हो, चौक चौराहों पर हो, सुन्ने गलियों पर हो, हर जगह बदमाशों के हौसले बुलंद है और उनकी अड्डेबाजी के चलते जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे राजधानी में। जी बिल्कुल गोपी, इन सब चाकुओं के नाम भी है, जैसे खटकेदार चाकू, रामपुरी चाकू, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने आरोपियों से बात की तो उनका ये कहना है कि अमेजॉन के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर करके ये चाकू मंगाया गया था। जी बिल्कुल, जितने भी बीते दिनों जो है निर्देशित किया गया था पुलिस के द्वारा कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उन्हें कि उनकी लिस्ट चाहिए जो भी ग्राहक के द्वारा साधारण चाकू मंगाया गया, इसके बाद सभी ऑनलाइन साइट्स ने अपने अपने जो लिस्ट है वो जारी किए गए। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और उन्होंने सभी चाकुओं को जब्त किया, जिसके बाद उन ग्राहक तक, उन नाबालिग ग्राहकों, चाहे वो बालिग ग्राहक है जो अर्थन अपराधी, उन तक पुलिस पहुंची और उसके कारण पूछा गया कि आखिर ये चाकू मंगाए किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम लिखते हैं कि जो इस तरह की जो प्रवृत्ति अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वही ऑनलाइन जो साइट्स है इनका सहारा लेते हैं, बाकी जो है वो दुकानों से जाकर खरीदते हैं। पुलिस से जो जो ऑफलाइन जो इस तरीके के सामान बिक्री करते वहां पर रोक लगा चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन में अब भी अंकुश लगाने में नाकाम रही है। फिलहाल अब शुरुआत जो है अब वो हुई है नींद से जागना, इसे कहा जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस रेट कर रही थी कितना असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। जी गोपी, पुलिस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन को एक पत्र भी लिखा है जिसमें लिखा है कि रायपुर में पिछले 5 सालों के दौरान ऑनलाइन मंगाई गई चाकुओं की जानकारी मांगी गई है पुलिस के द्वारा। जी बिल्कुल, 5 साल में जितने भी लोगों ने जो धारदार हथियार ऑनलाइन के माध्यम से खरीदे सभी की लिस्ट मांगी गई है, क्योंकि
ऑनलाइन भी एक सबसे बड़ा माध्यम है जो लोगों तक इस तरह के की जो सामग्री है वो पहुंचाता है। धारदार, बटनदार, रामकोली चाकू, छोटे बड़े हर किस्म के जो चाकू है वो इन ऑनलाइन साइट्स में उपलब्ध है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इनकी क्या आवश्यकता है, ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप है उनकी क्या आवश्यकता है किस तरह की, क्योंकि वो लोगों की सुरक्षा पर को ताक में रखकर इस तरह की वस्तुएं जो है वो बिक्री करे, तो उन्हें भी सख्त निर्देश दिए गए कि इस तरह की कोई भी वस्तु जो है वो ऑनलाइन साइट से ना बेचे जाए। यदि कोई इस पर ऑर्डर करता है तो उसकी सीधे जो जानकारी है वो जो थाने है नजदीकी थाने वहां पर इसकी जानकारी दी जाए। जी बिल्कुल गोपी, आप जिन चाकुओं की बात कर रहे हैं, बटनदार चाकू की बात करें, रामपुरी चाकू की बात करें, एसपी की ओर से इन सभी चाकुओं की डिलीवरी पर बैन लगाने की बात कही गई है अमेज़न को। जी बिल्कुल, एसपी ने इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए साफ निर्देशित किया है कि ऐसे कोई भी चाकू जो है उसकी बिक्री ना की जाए जिससे ये लोगों तक पहुंचे, आपराधिक तत्वों तक पहुंचे, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो सामान्यतः अब इनकी अपनी सुरक्षा के लिए भी जो चाकू है उसकी कहीं ना कहीं जो खरीदी है वो करने लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है उसके लोग भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जो और भी नाबालिग है वो ऐसी जब घटनाएं सुनते हैं, ऐसी खबरें सुनते हैं तो उनमें भी इस तरह के चाकू रखने या सामग्री रखने की जो इच्छा है वो होती है। तो इन तमाम वस्तुओं पर सीधी तरह तौर पर बैन लगाने की बात जो है वो एसएसपी के द्वारा कही जा रही है। फिलहाल इन सभी निर्देशों का ऐसी कार्रवाई का कितना असर पड़ेगा या आने वाले दिन में पता चल पाएगा। बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।